सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लाइनमैन की जुगाड़ से बनी बाइक अब जनचर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदूषण रहित और बिना पेट्रोल से चलने वाली इस बाइक को देखने लोग बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस पहुंच रहे हैं। अगर आपसे कोई यह बोले कि मात्र 7 रुपये में 35 किलोमीटर बाइक चल सकती है तो आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है। और यह कारनामा बैतूल के उषाकांत डिग्रेसी नामक व्यक्ति ने कर दिया है। उषाकांत डिग्रेसी को बाइक चलाने में महंगे पेट्रोल की झंझट से अब छुटकारा मिल गया है। दरअसल बैतूल के बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर पदस्थ उषाकांत डिग्रेसी ने अपनी 18 साल पुरानी बाइक इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर दिया है। उषाकांत ने इस बाइक में 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाकर उसमें कंडेंसर लगाकर एक पानी की मोटर लगाई है, जिससे यह बाइक अब शानदार तरीके से चलने लगी है। ये पेट्रोल गाड़ी थी, इसको 18 साल करीब हो गए थे। अब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह रिन्यूअल नहीं हुई करवाने के कारण अब उसको हमने बैटरी बाइक बनाई। क्यों बनाई? पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए। क्या लगाया उसमें, कैसे चल रही वो? इसमें बैटरी लगी है, मोटर है और रिले है, बस। कितनी बैटरी लगी? 4 बैटरी है, 12-12 वोल्ट की। अच्छा, कितनी बिजली से? एक यूनिट करीब खर्च होती है चार्जिंग पे। कितने किलोमीटर चलती है? ये 30 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर चलती है एक मिनट में। हाँ, तो कितनी कितनी देर में इसको चार्ज करना पड़ता है? 6 घंटे चार्जिंग पे लगा। उषाकांत का कहना है कि उनके पास एक 18 साल पुरानी बाइक थी जिसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया था। उसे अगर कबाड़ में बेचते तो बहुत कम पैसे मिलते। इसके अलावा पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही थी, इसी को लेकर उन्होंने अपनी बाइक में 28,000 रुपये खर्च करके उसे इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया है। 6 घंटे चार्ज करने के बाद यह बाइक 35 किलोमीटर चलती है। चार्ज करने में एक यूनिट बिजली खर्च होती है। पहले जहां उन्हें बाइक चलाने में 80 से 100 रुपये दिन का खर्च आता था, अब उन्हें 2 से 2,500 रुपये महीने की बचत होने लगी है। अपने इंटरव्यू में सर्विस करते हैं तो महंगाई के समय में क्या है कि थोड़ा सा आप लोगों को घूमना पड़ता है शहर में, तो हिसाब से खर्च ज़्यादा लगता है अपने को। तो हिसाब से हम दोनों साथ में सफ़र करते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई खर्च भी नहीं है। अच्छा, यही अपन इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेते तो कितनी महंगी आती है और कितने सस्ते में काम हो गया? सर अभी इस समय में तो क्या है कि नई गाड़ी लेने जाओ तो लगभग 80-90 हज़ार के करीब में अपन पहुँच रहे हैं, लेकिन ये 30-40 हज़ार में समथिंग यदि अपने पास बाइक है तो 30-40 हज़ार का उसमें खर्चा है इसमें। अच्छा, ये एक्सपायरी डेट पे आ गई थी गाड़ी तो कबाड़ में चली जाती, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। एक्सपायर तो है ही गाड़ी अपने पास में, जो भी है आज के समय में जो भी गाड़ी एक्सपायरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।